बढ़ेंगे आगे। कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर के बाद अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां पर विकास की पत्नी ऋचा दुबे ने मीडिया के सामने देख लेने की धमकी दी है, तो फिर वहीं राजनीतिक दल से लेकर ब्यूरोक्रेट्स तक यूपी सरकार और पुलिस को घेरे हुए हैं। विकास दुबे के मामले में अब कई सवाल अनसुलझे हैं, लेकिन अब इंडिया न्यूज पर पहली बार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए एनकाउंटर के इर्द गिर्द उठ रहे क्या, क्यों और कैसे का जवाब दिया। विकास दुबे को इनकाउंटर में एसटीएफ ने मार गिराया, लेकिन उसके बाद इतने सारे सवाल खड़े हो गए, उसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है। आज हमारे साथ प्रशांत कुमार जी हैं, उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। प्रशांत जी, इंडिया न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। काम तो आप लोगों ने बहुत ही शानदार किया, लेकिन इतने सारे सवाल कैसे खड़े हो गए? ये कहा गया कि गाड़ी से, जिस गाड़ी से आ रहा था वो गाड़ी बदल दी गई। ये जितने भी सवाल हैं जी, इनका कोई सिर पैर नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा सर्वप्रथम कि पुलिस डिपार्टमेंट किसी भी कार्य के लिए जिस भी संस्थान को आंसरेबल है, वहाँ से अगर कुछ पूछा जाएगा तो हम जवाब देंगे। जहाँ तक मुठभेड़ का सवाल है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो भी गाइडलाइन है उसका अक्षरशः पालन किया जा रहा है, और जैसे कि पैनल के डॉक्टर्स के द्वारा पोस्टमार्टम कराना, वीडियोग्राफी कराना, मैजिस्ट्रियल जांच कराना, ह्यूमन राइट कमीशन चाहे स्टेट की हो चाहे नेशनल हो, उनको समय से सूचना भेजना, ये सभी चीज़ें जो एक समय अवधि तय रहती है उसके हिसाब से कार्रवाई हो रही है। इसके अतिरिक्त जो विवेचना के भी गाइडलाइन है उसको हम फॉलो करेंगे। जहाँ तक गाड़ी बदलने, ये जो आदमी इतने दुर्दांत अपराधी को लेके आ रहा है, जो हमारा ऑपरेशनल कमांडर है, जो टीम गई थी, ये उसका विवेक है, उसने किन परिस्थितियों में किया, इन सब चीज़ों के बारे में सभी चीज़ों को क्वेश्चन करना मेरे हिसाब से उस टीम के साथ जाती है जो इस कार्य में लगी थी। सर, एक बात और कही जा रही थी कि पत्रकारों को रोक दिया गया, एक सीमा के बाद पत्रकारों को वहाँ जाने नहीं दिया गया। ये भी बात सरासर निर्मूल गलत है। जब वहाँ कोविड के कारण पूरे ज़िले में चेकिंग लगी थी, केवल उसी रोड पे नहीं लगी थी, आप इस चीज़ों को तस्दीक कर सकते हैं कि सारे हाईवेज पे चेकिंग हो रही थी, सारे रास्ते जो थे उन पे चेकिंग कराई जा रही थी। ये नहीं था कि केवल उसी बिंदु पे चेकिंग कराई जा रही थी, उस पे भी किसी को रोका नहीं जा रहा था। जो मैंने वीडियो देखा उसमें हमारे डिप्टी SP यही कह रहे हैं कि भाई किसी को रोका नहीं जा रहा, ये हो सकता है चेकिंग के दौरान थोड़ी भीड़भाड़ लग गई है, आप जाना चाहें तो जाएं, किसी को कोई रोकटोक तो थी नहीं। अच्छा सर, इस पूरे मामले में कुल 21 लोग नामजद हैं। चौबेपुर थाने में जो FIR दर्ज की गई है उसमें 21 लोग नामजद हैं, 12 अभी भी फरार हैं जो इनामी हैं, उसके अलावा और भी पूरा नेक्सस है, तो कब तक ये उम्मीद की जाए कि जो लोग फरार हैं या जो लोग अभी पकड़े जाने हैं वो कब तक आप लोग गिरफ्तार कर पाएंगे? क्योंकि एक बहुत बड़ा जो है अपराधी और उसके गिरोह का एक तरीके से खात्मा किया है उत्तर प्रदेश की पुलिस और SDF ने। ये कोई समय अवधि प्रचारित प्रसारित करके हम नहीं तय कर सकते। हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द हम सारे जिन लोगों ने इस जघन हत्याकांड को अंजाम दिया है, जिसमें हमने अपने 9-8 साथी खोए हैं, कुछ लोग हमारे इंजर्ड भी हैं, तो हम जल्द से जल्द उनको कानून के हवाले करें, कोर्ट में उनका केस चलाएं, उनके खिलाफ गवाही दें और गवाहों को प्रोड्यूस करें, जल्द से जल्द कन्विक्शन कराएं। और इसके लिए लगातार टीमें काम कर रही हैं, कुछ लोग गिरफ्तार भी हो गए, कुछ लोग शरणदाता भी गिरफ्तार हो गए हैं, कुछ लोग जो इस पूरे षड्यंत्र में शामिल थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है, रिकवरीज भी लगातार चल रही हैं, तो जल्द से जल्द हमारा प्रयास होगा। और हमारी टीमों की संख्या भी काफ़ी है, और जो लोग 12 लोग बचे हैं जी, हम उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहेंगे। हमारे कुछ अभी भी जो लूटे गए असला थे वो अभी तक नहीं मिले हैं, हम उसके लिए भी प्रयासरत हैं, और हम जो पूरा ड्यू प्रोसीजर है लॉ का, हम उसको फॉलो करेंगे, और हम सभी के अधिकारों और हितों का सम्मान करते हैं, किसी के साथ कोई जाति नहीं होगी। हमारे पुलिस वालों के साथ जो हुआ वो दुनिया ने देखा, और हमने अपने साथी खोए,
शासन ने उनको बढ़ चढ़ के पहली बार हिंदुस्तान में किसी इस तरह की घटना में 1 करोड़ की राशि दी गई और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद जाकर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और शहीदों के शव पे पुष्प अर्पित किए, परिवार वालों से बात की। आपने देखा होगा कि उनके बच्चे, उनके पेरेंट्स सभी, उनकी क्या स्थिति है। ये जो सुविधाएं देने की बात हो रही है उसमें अब किस तरह से आप के प्रोसेस आगे बढ़ रहे हैं, जो लोग मृतक हैं उनके परिवार के लोगों को? वो तो जब अनाउंसमेंट हो गया है, बहुत सारी, जैसे कि उनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन है तो जो भी नेक्स्ट केनन कित है उनके सिग्नेचर लेके वो हम दे देंगे, अनुग्रह राशि मिल जाएगी। और जिस भी पुलिसकर्मी के परिवार में, मतलब उसके बच्चे या पत्नी जिनको नौकरी दिया जाना है, अगर वो एलिजिबल हैं जी, तो तत्कालिक रूप से उसकी प्रक्रिया चालू की जाएगी। तो जो प्रक्रियात्मक कुछ समय लग सकता है, लेकिन सभी चीज़ें ऑलरेडी शुरू कर दी गई हैं और हम जल्द से जल्द, अब हम उनको, उनके ब्रेड अर्नर को तो नहीं लौटा सकते, लेकिन जो भी सरकार ने चीज़ें अनाउंस की हैं हम जल्द से जल्द उनको मुहैया कराएंगे। प्रशांत जी, एक सवाल लोगों के मन में और ये भी है कि इतनी देर बातचीत तो हुई होगी एसटीएफ से, कुछ उसने बताया होगा, कुछ खुलासे किए होंगे, कुछ क्या निकल के आया क्या कि और भी कितना बड़ा गैंग है इसका? कहा जा रहा है बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, यहाँ इस देश में तो हैं ही हैं, विदेशों में भी इसने प्रॉपर्टी खरीद के रखी हुई है। ये चीज़ें मेरे हिसाब से विवेचना का प्रश्न है और जो पुलिस विभाग है, हम अपने जो ब्रीफ हैं हमारे उसके हिसाब से काम करेंगे और जब विवेचनाएं होंगी, जांच होंगी, तो सभी पहलू उसमें हम ध्यान देंगे। और अगर कोई विदेश वाली बात जैसा आप पूछ रहे हैं जी, ऐसा आएगा तो उस तरह की जो एजेंसीज हैं जो इन चीज़ों में दक्ष हैं, हम उनकी सहायता भी लेंगे। बहुत सारी एजेंसियां सर संपर्क किया, बहुत सारी एजेंसियों ने आपसे संपर्क किया क्या कि इसकी हम प्रॉपर्टीज़ की जाँच करना चाहते हैं या पुलिस से आपका सहयोग लेना चाहते हैं? वो जो भी एजेंसी हमसे संपर्क करेगी, हम नियमानुसार और जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से सबको हम कॉपरेशन देंगे और उनकी सहायता लेंगे भी। सर अभी आपका क्या फोकस है? जैसे विकरू गांव इसका एक मेन अड्डा था, कहा जाता था कि वहीं पे ये अपनी चौपाल लगा के सारी अड़ीबाजी वहीं करता था, तो अभी कहाँ कहाँ आपका मेन फोकस है, कहाँ कहाँ तलाशी अभियान पुलिस चलाएगी या किस पे खास नज़र है? मतलब अभी क्या मेन फोकस है? खास तौर पे विकास तो अब तो ख़त्म हो गया, लेकिन उसके गैंग को लेके हम जो भी लोग इस घटना में शामिल रहे हैं उनको अकाउंट फॉर करेंगे। इसके अतिरिक्त जो गलत गतिविधियां उसके आसपास, चाहे वो गांव की हो चाहे उस क्षेत्र की हो, अगर हमारे जो संज्ञान में आएंगी उस पर सभी पे विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर इसके मरने के बाद क्या लोग ऐसे सामने आ रहे हैं जो गवाही देने के लिए या बताने के लिए तैयार हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि उनके गांव में जश्न मनाया गया, लोगों ने बोर्ड उठा के हटा के फेंक दिया, एक तरीके से आज़ादी आ गई, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। हाँ, मैंने भी समाचार चैनलों में देखा है और अगर कोई ऐसी बात है, कोई हमारे संज्ञान में बात आएगी और जो कि किसी को एडवर्सली इफेक्ट कर रही थी या उसमें जो विधिक कार्रवाई हो सकती है तो उसकी मदद अवश्य की जाए। नहीं सर, वो लोग आ रहे हैं क्या आपको बताने के लिए कि नहीं हम भी जानकारी देना चाहते हैं, मुझे भी ये जानकारी है, मैं आप बयान देना चाहता हूं? क्योंकि अभी तक तो डर था, वो डर आपने ख़त्म कर दिया है, तो आप कुछ लोग ऐसे लोगों ने संपर्क किया क्या, कानपुर से, बिकरू गाँव से, लखनऊ से, या जहाँ जहाँ भी लोग रहे हों? ये चीज़ें हो सकता है स्थानीय स्तर पर गई हों, जिसका मुझे नंबर के बारे में नहीं पता, लेकिन जिस वादी के कहने पे पुलिस की दबिश गई थी उस दिन रात में, वो महोदय आ गए हैं और वो कॉपरेट कर रहे हैं और उनके साथ जो घटना हुई है उसके बारे में अपनी चीज़ें बता रहे हैं। हो सकता है कि और भी लोग ऐसे आ रहे हों, जिसका एवरी केस का मेरे पास संज्ञान नहीं है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जिसमें कि वादी खुद जिसने कंप्लेंट दर्ज कराई थी जी, वो पुलिस के सामने पुनः आए हैं और हम उनकी प्रार्थना पत्र का निस्तारण लीगली कर रहे हैं। प्रशांत जी, आप लोग ने बहुत सख्ती की, विनय तिवारी पुलिस के हिरासत में हैं, उसके अलावा पूरे थाने को जो है आपने लाइन हाजिर कर दिया,
जो पूरा नेक्सस अभी तक आया है, जैसे जिन लोगों को कहा जा रहा था कि नहीं ये लोग मिली भगत करके इसकी मदद कर रहे हैं, तो अब तक कितने लोग आ पाए, कितने लोगों को आइडेंटिफाई आप लोग कर पाए हैं कि ऐसे लोग थे जो अपराधियों की मदद करते हैं, जो आने वाले समय में अगर पुलिस विभाग में है तो पुलिस को नुकसान ही पहुँचाने का काम करेंगे? ऐसे जैसा आपको पता है होगा कि हमारे दो पुलिस विभाग के कर्मी भी जुडिशियल कस्टडी में भेजे गए हैं, और गिनती बताना भी उचित नहीं है, लेकिन ये है कि जो भी हमारे डार्क शीप्स हैं हमारे डिपार्टमेंट में, हम किसी को बख्शेंगे नहीं और उस नेक्सस को पूरा उजागर करेंगे, और ये गठजोड़ जो है उसको हार्श पनिशमेंट दिया जाएगा, एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दिया जाएगा, ताकि ये सबके लिए नज़ीर बने, आम आदमी के लिए भी और विभाग के अगर कोई लोग इसमें और इन्वॉल्व हैं तो उनके विरुद्ध भी, जो नियमानुसार, जो मैंने जैसे कहा कि सबके विरुद्ध एक नियम के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। प्रशांत जी, उस दिन आप भी गए थे विकरू गांव, हमने देखे आपके फुटेज, बहुत सारी चीज़ें बड़ी नज़दीक से आपको देखने को मिला होगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो घटना स्थल था, जो घटना का दिन था, आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी बड़ी चूक हो गई जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई? पुलिस वो ऐसो बाहर ही खड़ा रह गया, बाकी लोगों को सूचना नहीं हो पाई, LIU भी आपकी रहती है, लोकल लेवल पे बहुत सारे आपके लोग होते हैं जो बताने के लिए होते हैं, आपको क्या लगता है कहाँ ऐसी चूक हो गई थी उस दिन? अब इन सभी चीज़ों का हम आत्मविश्लेषण कर रहे हैं और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, और आगे कैसे चीज़ें दबिश के लिए जाएँ इस संबंध में भी महानिदेशक महोदय ने आदेश निर्गत कर दिए हैं। अमूमन इस तरह की चीज़ें जब सामान्य गांव वगैरह में दबिश जाती है तो एक लोगों की हैबिट बन गई थी हमारे पुलिस वालों की भी कि प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं लेते हैं, जबकि शासन स्तर से, मुख्यालय स्तर से सभी को BP जैकेट, BP हेलमेट और सभी चीज़ें प्रदत्त हैं। जी जी। तो ऐसा नहीं कि कोई प्लानिंग में या सामान मुहैया करने में कोई कमी हो, यह है कि थोड़ा कैजुअल अप्रोच उनका रहा, और सामान्यतया इस तरह की चीज़ें जिस तरह से फायरिंग की गई वो दस्यु उन्मूलन के समय या टेररिज्म के समय या नक्सलाइट एरिया में ऐसी चीज़ें होती हैं, तो हमारे लिए भी एक लर्निंग है, और जैसा मैंने कहा कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे और आगे चीज़ें हम अच्छी तरीके से और करेंगे। सर, उसके घर में सारे जगहों पे CCTV कैमरे लगे हुए थे, क्या कुछ उससे नए सुराग मिले हैं, क्योंकि आप वहाँ हो के आए हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें मॉनिटर की होंगी, तो सर क्या कुछ नए लीड, नए सुराग विकास को लेके, उसके संबंधों को लेके, क्योंकि बहुत सारे लोग तो आ गए हैं हिरासत में, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हैं, तो क्या कोई नई लीड मिली क्या कि उसके पहले, क्योंकि वो DVR अगर आपके पास होगी तो बहुत सारी चीज़ें उसमें आ सकती हैं शायद? नहीं, जैसे विवेचना के दृष्टिकोण से इतनी चीज़ें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अभी आना उचित नहीं है, और जहाँ पर कोर्ट में हम लोग सभी एविडेंस को प्रोड्यूस करेंगे और अपने जो हम चार्जशीट बनाएंगे उसमें सभी साक्ष्यों का संकलन करके माननीय कोर्ट को अवगत कराएंगे। चलिए प्रशांत जी, हम उम्मीद करेंगे कि अब विकास दुबे जैसा अपराधी जो है इस तरह का काम न कर पाए, जिस तरीके से प्रशांत कुमार, जो कि बहुत ही तेज तर्रार अफसर माने जाते हैं अपने काम के लिए, तकरीबन 12 लोग अभी बचे हुए हैं जिनके ऊपर इनाम रखा गया है, इस गैंग के नेक्सस को भी पुलिस तोड़ने की कोशिश कर रही है, हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे सबूत आप लोगों ने इकट्ठा कर रखे हैं जिसको कोर्ट में पेश करना है, जिससे कि जो लोग बचे हुए हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। रोहित के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज़, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो विकास दुबे को लेकर के प्रशांत कुमार को आपने सुना। चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना है।